الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں, وقت جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو وقت چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. گزشتہ کل 2 تاریخ تھی. گزشتہ کل جو جولائی کی 2 تاریخ تھی 2022 کی, اللہ کی قسم اب وہ ہماری زندگی میں لوٹ کر کبھی نہیں آئے گی. جو وقت چلا گیا سو چلا گیا. میری اور آپ کی زندگی پگھل رہی ہے جیسے برف پگھلتا ہے, پگھلتے 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 ایک وقت آتا ہے پورا برف پگھل جاتا ہے. تو میری اور آپ کی زندگی پگھل رہی ہے, پگھل رہی ہے, پگھل رہی ہے. ہر دن ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے, ہر رات ہماری زندگی کی ایک رات کم ہو رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, جن حضرات نے بھی ترقی کی ہے چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو, جنہوں نے بھی ترقی کی ہے اور کوئی مقام حاصل کیا ہے, آپ اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھو تو انہوں نے وقت کی قدر کی ہے. اس دنیا میں جنہوں نے بھی دینی یا دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے مراتب حاصل کیے ہیں, آپ سائنسدانوں کی زندگی اٹھاؤ, آپ اچھے پڑھے لکھوں کی زندگی اٹھاؤ, آپ ڈاکٹروں کی زندگی اٹھاؤ, آپ اللہ کے ولیوں کی زندگی اٹھاؤ, جنہوں نے جس اعتبار سے ترقی کی ہے, تو آپ کو بنیاد میں یہ بات ملے گی کہ انہوں نے وقت کی قدر کی ہے. جو وقت کی قدر نہیں کرتا دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی, اور جو وقت کی قدر کرتے ہیں اور صحیح قدر کرتے ہیں, اس کو اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں, خدا کے دربار میں ایسے بندوں کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے. جو گھڑی اللہ کی یاد کے بغیر گزر جائیں
वो बड़े अफसोस की बात है, बड़े खसारे की बात है, बड़े नुकसान की बात है। यूं फरमाया कि अहले जन्नत को जन्नत में जाने के बाद किसी भी चीज़ का कल्क और अफसोस नहीं होगा बजुज उस घड़ी के, जो घड़ी के दुनिया में अल्लाह की याद के बग़ैर गुजार दी होगी, जन्नत जैसी कीमती और हसीन जगह में भी उसका अफसोस करता होगा। ओहो, यहाँ तो एक एक सुभान अल्लाह पर ये मिल रहा है, एक एक अल्हम्दुलिल्लाह पर ये मिल रहा है, एक एक दुरूद शरीफ पर ये मिल रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने दुरूद शरीफ पढ़े, ए काश मैं थोड़े से दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ लेता, मेरी आखिरत की कमाई ज़्यादा हो जाती, मेरी आखिरत की तैयारी ज़्यादा हो जाती। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ की तलब, वहाँ की तड़प, वहाँ का रोना, वहाँ का बेचैन होना, ये खुदा के दरबार में काम नहीं आएगा, क्योंकि वो बदले की जगह है, वो रिजल्ट के मिलने की जगह है। और रिजल्ट मिल रहा है और स्टूडेंट रो रहा है कि सर मेरे से गलती हो गई, मैंने मेहनत न की, आप रिजल्ट रहने दीजिए, मैं आपको दोबारा एग्ज़ाम देकर फर्स्ट लाऊंगा। सर कहता है बेटा ऐसे ही अब फर्स्ट नहीं आ जाता, जो वक्त चला गया सो चला गया, अब मौका नहीं मिल सकता, आइंदा साल दोबारा मेहनत करना, पहले से मेहनत करना। जब पहले से मेहनत की होगी, आपने पढ़ाई अच्छी की होगी बेटा, उस वक्त आप एग्ज़ाम में सही लिख सकोगे। और याद रखना, एग्ज़ाम में सही लिखोगे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका नतीजा अच्छा आएगा, आपकी पोजीशन अच्छी आएगी। मेरे अजीज़ों, उसको तो दूसरे साल मौका मिल जाएगा, लेकिन एक मर्तबा आँख बंद हो गई फिर हमें आखिरत में दूसरा मौका नहीं मिलेगा। चूँकि अल्लाह ताला ने इस बात को तय कर दिया है कि हमने जिसको भी ज़िंदगी दी है एक मर्तबा ज़िंदगी दी है, हर एक को एक लाइफ, एक चांस और एक मौका मिलता है। फजर की नमाज के बाद का वक्त बड़ा कीमती वक्त है, बड़ा मुबारक वक्त है। यूँ फरमाया कि रातों में तो शब कदर और अरफात की रात अफजल, दिनों में फरमाया जुमा का दिन अफजल, महीनों में फरमाया रमज़ान का महीना अफजल, और वक्तों में का फजर की नमाज के बाद का वक्त और असर की नमाज के बाद का वक्त ये अफजल। इसीलिए मशाइख अल्लाह वाले जो मामूलात बताते हैं वो इन्हीं दो वक्तों में बताते हैं। ये बड़े मुबारक वक्त हैं, ये फरिश्तों की तब्दीली के वक्त हैं, ये मौसम के सुहाने होने का वक्त है। मेरे अजीज़ों, इस वक्त में अगर कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह ताला उस बंदे से बड़े खुश होते हैं। इसीलिए हमारे दावत व तबलीग के बड़े बड़े काबिरीन, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनका एहसान है, उनकी बरकत से, उनकी मेहनत से, उनकी कोशिशों से, और भी हजरात की मेहनतों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन की मेहनत हम तक पहुँची है। अल्लाह ताला उन्हें जजाए खैर अता फरमाए। उन्होंने भी क्या फरमाया कि सुबह तीन तस्बीह पढ़ें और शाम को तीन तस्बीह पढ़ें, एक तीसरे कलीमे की, एक दुरूद शरीफ की, एक इस्तिगफार की। सूरत के एक बहुत बड़े ताजिर है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत बड़े ताजिर, उनके पास इस्तिकामत बहुत है। वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते इस्तिगफार करते। मैंने उनसे पूछा, वो बड़ा दुरूद शरीफ पढ़ते थे, कि आप कितनी मर्तबा पढ़ते हो? कहा मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1000 मर्तबा, 1000 मर्तबा रोज़ाना पाबंदी से। अच्छा, इस्तिगफार कितनी मर्तबा करते हो? तो जो नमाज में हम पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फिर ली मग़फिरतन मिन इंदिक वरहमनी इन्नक अंतल गफूरुर रहीम। ये बड़ा ज़बरदस्त इस्तिगफार है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ए मेरे प्यारे रब, मैंने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया है। मैं कोई छोटा गुनहगार हूँ? ना 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 ना, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ।
मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है, मैंने अपनी आखिरत को खुद बर्बाद किया है। मैं दुनिया में जो बेचैन हूँ, परेशान हूँ, हालात में हूँ, तकलीफ़ों में हूँ, इसकी बहुत बड़ी वजह मेरे अपने गुनाह है। तो दुनिया की परेशानी और आखिरत का टेंशन, ये सब मैं अपने हाथ से खरीद रहा हूँ। वरना अगर मैं ईमान को मजबूत करता और आमाल सालिहा को हासिल करता तो मुझे तो दुनिया में हयातन तय्यबा नसीब होती, पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब होती, मुबारक ज़िंदगी नसीब होती। लेकिन मैं ही हूँ कि नबी की सुन्नतों से दूर हूँ, मैं ही हूँ कि अल्लाह के दीन से दूर हूँ, मैं ही हूँ कि अल्लाह के ज़िक्र से दूर हूँ, मैं ही हूँ कि अल्लाह के दीन की मेहनत से दूर हूँ। न सही मानों में दुनिया हाथ में आ रही है, न दीन हाथ में आ रहा है। एक बड़ा तबका यूं समझता है कि दुनिया मेरे कदमों में आएगी, उसके बाद मैं दीन पर चलूंगा, उसके बाद मैं किसी से बैत हो जाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करूंगा, उसके बाद मैं अपने चेहरे पर नूर सुन्नत को सजाऊंगा, उसके बाद मैं अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। जब तक तू अल्लाह की तरफ नहीं आएगा, एक बात याद रखना, तेरी ज़िंदगी में बहार नहीं आएगी, तेरे अच्छे दिन नहीं आएंगे। इंसान समझता है दुनिया सवरेगी तो दीन पर चलूंगा, ऐसा नहीं होता। दुनिया आज तक किसी की सवरी नहीं और कयामत तक किसी की सवरेगी नहीं। यहां तो जितना पैसा आता है उतना टेंशन साथ लाता है, उतनी फिक्र साथ लाता है, उतनी कोशिश साथ लाता है, इतनी दिल की बेचैनी साथ लाता है। अगर अल्लाह के दीन की बगैर और ज़िंदगी में दीन के आए बगैर अगर दुनिया आएगी तो बेचैनी के साथ आएगी, परेशानी के साथ आएगी, हालात के साथ आएगी, टेंशनों के साथ आएगी, उलझनों के साथ आएगी, दिल की बेचैनियों के साथ आएगी और आमिलों के और डॉक्टरों के चक्कर काटी काटी आएगी। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए, वक्त की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। एक कायदा याद रखना, जो शख्स अपनी आखिरत को सवार लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुनिया को सवार देता है। जिन्होंने भी अपनी आखिरत को सवारा है, अल्लाह ने उनकी दुनिया को सवारा है। फिर दुनिया उनके पास आई, बरकतों के साथ आई, रहमतों के साथ आई, आफियत के साथ आई, चैन सुकून और इत्मीनान और अमन व अमान के साथ आई, मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बतों के साथ आई, बच्चों की फरमाबरदारी के साथ आई। बहुत सी मर्तबा अल्लाह की नाफरमानी के साथ अगर दुनिया आती है, साथ में मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ भी लाती है, बच्चों की नाफरमानियाँ भी लाती है, बीवी बच्चों की और औलाद की बहू वगैरह के दुख दर्द और टेंशन भी साथ में लाती है। मेरे अजीज़ो, बीजापुर वालों, अल्लाह के दीन के बगैर न दुनिया संवर सकती है, न आखिरत संवर सकती है। अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर चैन सुकून चाहते हो, अगर अल्लाह की ज़मीन पर मज़े से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, अगर इत्मीनान चाहते हो, हयातन तय्यबा चाहते हो, सबसे पहले अल्लाह के दीन को सीने से लगाओ। अल्लाह के दीन को सीने से लगाओगे, दुनिया पीछे पीछे आएगी, बरकतों के साथ आएगी, रहमतों के साथ आएगी। सूरत के बहुत बड़े ताजिर मुझे कहा, मौलाना अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाला इस्तिग़फ़ार अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1000 मर्तबा पढ़ता हूँ। ये तो ठीक है। दूसरा सवाल मैंने पूछा, मैं कहा सेठ साहब कितनी मर्तबा पढ़ते हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कब से पढ़ते हो? मौलाना 38 ईयर्स हो गए, 38 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नागा नहीं हुआ। करोड़ों पति आदमी है, बड़ा सेठ आदमी है, वक्त है उसके पास अल्लाह के लिए, वक्त है उसके पास अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए। अरे क्या चैन सुकून! उनके करीब बैठ के मुझे पता चला कि सुकून भी किसको कहते हैं। सुकून के आसार उनके चेहरे पर, बड़ा काम है दुनिया का, उसके बावजूद वक्त है उनके पास। थोड़ी देर के लिए मैं सोचता रहा
कि यार 38 साल तक रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ कोई पढ़े तो 38 साल में कितने दुरूद शरीफ हो गए। कतरा कतरा गिरता है डोल में, एक वक्त आता है पूरी डोल भर जाती है। तो ये तो रोजाना 1000 पढ़ रहे तो महीने के कितने हो गए और साल के कितने हो गए और 38 साल के कितने हो गए। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार सेठ साहब आपका तो अल्लाह के रास्ते में भी वक्त लगता है। बोले हाँ वो तो लगाना ही है, करना क्या है उसमें, मस्जिद वार जमात बैठती है, खुलासा ये है थोड़ी देर तो बैठती है 2-5 मिनट के लिए, उम्मत की फिक्र को लेकर, आलमी फिक्र को लेकर, हम आलमी नबी के आलमी उम्मत ही है, अरे कौन सा हमारा वक्त चला जाएगा, चाय पीने में 5-10 मिनट चली जाती है, अगर प्यारे नबी की उम्मत की फिक्र को लेकर मैं थोड़ी सी देर बैठ जाऊं तो मेरा कौन सा दुनिया और आखिरत का नुकसान हो जाएगा, अल्लाह खुश होगा और उस एक दिन में पूरी दुनिया में जो खैर फैलेगी इंशाल्लाह उसमें हमारा भी हिस्सा लगेगा। अल्लाह के यहां नीयतें देखी जाती है, अल्लाह के यहां दिल का दर्द देखा जाता है। थोड़ी देर तो लगती है बोले, और गश्त 168 घंटे में 2 घंटे अल्लाह के लिए निकालना कौन सी मुश्किल बात है, 2 नमाज के दरमियान का वक्त फारिग करना कौन सी मुश्किल बात है, कौन सा हमारा नुकसान हो जाएगा, उसमें कौन सी दुनिया की बात होती है, कौन से नुकसान की बात होती है। आज इंसान कई कई घंटे गीबतों में गुजार देता है, कोई NRI ग्राहक आ जाए उसके दरमियान इंसान कई वक्त गुजार देता है। मस्जिद में वक्त गुजरना कोई मामूली चीज़ है, इंसान की बड़ी तरक्की मस्जिद की बरकत से होती है। क्या बात है कि इंसान जब अल्लाह के रास्ते में जाता है आम तौर पर उसका हुलिया बदल जाता है, चेहरा नूरे सुन्नत से सज जाता है, इस्लामी लिबास आ जाता है। अगर आपको यकीन ना आता हो तो कोई 500 लोगों से मुलाकात करना तन्हाई में और उनको पूछना आपका ये लिबास कहाँ से आया, आप तो ना हाफिज है ना आलिम है। आपको शायद 400 लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हम फुला वक्त था, हमने अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया, वहां से अल्लाह ने हमारी जिंदगी को चेंज किया। असल में सीधा साधा काम है और सादगी वाला काम है, हर कोई कर सकता है। इसलिए यूं फरमाया कि ये उम्मत इस काम से धोखे में ना आए। अभी गुज़िश्ता साल हमारे यहां एक अजीब वाकया हो गया, मैं तो बड़ा ताज्जुब में रह गया। हमारे यहां एक बहुत बड़े सेठ आदमी है, उनके पास कितना पैसा है शायद उनको ही ना पता हो। उनके घर में नौकर चाकर वो कुछ काम नहीं करते, बड़े बड़े शोरूम वगैरह चलते हैं, अब घर के कामकाज वो कहाँ करेंगे, वो तो बिजी आदमी है। एक इलाके का एक आदमी इनसे पूरा माल खरीदता था, मानूस नहीं था, गैर मानूस था, अल्लाह के रास्ते को नहीं मानता था, अल्लाह के रास्ते में वक्त नहीं लगाता था। उसको पता चला कि मैं जिनके पास माल लेता हूँ माल खरीदता हूँ और मेरी उनसे मुलाकात नहीं होती, उनके आदमी लोग मुझे माल दे देते हैं। वो सेठ साहब जमात में आए 3 दिन के लिए। बोले हैं वो जमात में आए, चलो चलो अब तो मेरी मुलाकात हो जाएगी, बात हो जाएगी, कुछ माल की डील वगैरह कर लेंगे, कुछ भावताल कर लेंगे, इन्हें कुछ समझा देंगे। लेकिन बड़े सेठ आदमी है, पता नहीं मेरी मुलाकात होगी या नहीं। मैं जब उनके इलाके में जाता हूँ तो उनसे उनके आदमियों से बात करनी पड़ती है, उनसे तो मुलाकात नहीं होती। अल्लाह की शान, वो जब मस्जिद में आया उसकी नज़र पड़ी वुजू खाने पर, तो क्या मंजर देखता है, उसकी आंख में तो आंसू आ गए कि वो जो सेठ साहब के बारे में जो गुमान कर रहा था वो बर्तन धो रहे थे, वहीं पिघल गया वो। और उसने तय कर लिया इंशाअल्लाह अब मेरा भी अल्लाह के रास्ते में वक्त लगेगा और मैं भी इसी मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा। उसके बाद वो भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां देने लगा, तब मुझे पता चला इसके बर्तन धोने में भी अल्लाह ने हिदायत छुपाई। ये सादगी वाला काम है, सीधा साधा काम है, वक्त बहुत कम खर्च होता है। अच्छा मौलाना साहब, फिर ये क्यों लोग अल्लाह के रास्ते में जाते हैं तो चेंज होकर आते हैं, इसकी वजह क्या है? एक बात याद रखना, सोहबत का असर होता है। और मस्जिद में इसीलिए फरमाते हैं कि जमात में जाओ तो ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद की चार दीवारी में गुजारो। क्या फायदा? कब मस्जिद में फरिश्ते होते हैं, फरिश्तों का माहौल होता है, और फरिश्तों की एक अजीब बात है कि वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं। ला यासून अल्लाह, वो अल्लाह की नाफरमानी
नहीं करते, अल्लाह की फरमा बरदारी करते। जो बंदा अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने के ज़माने में अपना ज़्यादा वक्त मस्जिद की चार दीवारी में गुजारता है, तो फरिश्तों की सोहबत की बरकत से उसके अंदर ये बात पैदा होती है कि वो भी फिर अल्लाह की नाफरमानी से बचता है और अल्लाह का फरमा बरदार बंदा बनता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमाएँ, अपने रास्ते में वक्त लगाने की तौफीक अता फरमाएँ। तो सूरत के जो हमारे सेठ साहब हैं उनसे मैंने कहा कि आपका तो यार अल्लाह के रास्ते में भी वक्त लगता है, तो मुझे कहने लगे मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा फिर तो तीन तस्बीह भी पढ़ते होंगे आप। अजीब बात बोली, बोले मौलाना 32 साल पहले 32 ईयर्स पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा। उस वक्त मुझे पता चला कि हमारे बड़े यूँ फरमाते हैं कि तीन तस्बीह का एहतमाम करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो घड़ी और आज का दिन, 32 साल से मेरी तीन तस्बीह नागा नहीं हुई, 32 साल से। इसको कहते पाबंदी। इसीलिए फरमाया कि जो किसी शेख से बैत ना हो वो तीन तस्बीहात का अहतमाम करें, और जो किसी शेख से बैत हो वो उनके मामूलात पूरे करें, लेकिन अल्लाह का जिक्र ज़रूर करें। जिक्र करेगा तो अल्लाह का ध्यान नसीब होगा, अल्लाह का ध्यान नसीब होगा तो गफलत दूर होगी। इसलिए फरमाया वज़्कुरुल्लाह कसीरा, तुम अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कुरान जिसको कामयाबी कहता है वो ऐसी कामयाबी कि जिसके बाद नाकामी कोई ना। एक बड़ा तबका कहता है कि मौलाना साहब जिक्र तो हम भी करते हैं लेकिन वो कामयाबी तो हमें नजर नहीं आती। अल्लाह ताला कुरान में जहां मुनाफिकीन का तस्करा करते हैं, मेरा तो दिल हिल जाता है, उस वक्त यूं कहते हैं ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। ऐसी बात नहीं है कि मुनाफिक अल्लाह का जिक्र नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। मुनाफिक लोग जो है ना वो भी अल्लाह का जिक्र तो करते हैं मगर थोड़ा सा करते हैं। ये कुरान कहता है ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लील। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मुनाफिकीन की वे सिफत थी कि वो थोड़ा सा जिक्र करते थे। अब हम अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी थोड़ा सा ही जिक्र करते हैं। जिसको अल्लाह का पता हो, जो अल्लाह को जानता हो, जिसको मौत के बाद की ज़िंदगी का पता हो कि आखिरत की ज़िंदगी बरहक है, वो भी थोड़ा सा जिक्र करता है। जिक्र से तो क्या नहीं मिलता। इसीलिए अक्सर जगह आप देखो जिक्र का तस्करा आता है, अल्लाह ताला कसीरन का लफ्ज़ लाते हैं, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और तुम अल्लाह का जिक्र करो। कितना करें? फरमाया बहुत ज़्यादा करो, कसरत से करो, अल्लाह की कोई हद नहीं, अल्लाह के जिक्र की भी कोई हद नहीं। फिर क्या होगा? कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे। एक दफ़ा तो ईमान वालों से फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ये हमारे लिए बड़ी शराफत की बात है, बड़ी खुशी की बात है, हमारा ईमान कमजोर है, फिर भी अल्लाह ताला कहते हैं ए मेरे ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह, तुम अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह जी कितना करें? फरमाया जिक्रन कसीरा, बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो। जो कसीरन की टेबलेट पर अमल करेगा वो अल्लाह का वली बनेगा। कसीरन ज़्यादा जिक्र। एक सहाबी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए, आकर एक अजीब सवाल पूछा, कहा प्यारे नबी जी मैं जो है ना VVIP बनना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर, मैं VVIP बनना चाहता हूँ। प्यारे नबी ने फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र किया कर, तू VVIP बन जाएगा। अल्लाह के नबी मैं खुसूसियत चाहता हूँ, मैं VVIP बनना चाहता हूँ, और जिन हजरात ने कसरत से अल्लाह का जिक्र किया है अल्लाह ने सबको टॉर्च पर पहुँचाया। अल्लाह का नाम लेने वाला अल्लाह उसके जलील कर दे? फरमाया ना ना ना,
इसलिए बड़े खुश नसीब है वो हजरात जो अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करते हैं। तो सेठ साहब से मैंने पूछा कि तीन तस्बीह आप कितनी पढ़ते हैं? कहने लगे, मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल हो गए मेरी नागा नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हमें मामूलात का पता नहीं? क्या हमें तस्बीहात का पता नहीं? फिर क्या बात है हमारी कभी हो जाती है कभी नागा हो जाती है। जो तीन तस्बीह पढ़ते हैं उनसे कहना चाहता हूँ, तीसरे कलीमे की तस्बीह है अजमत वाली तस्बीह, उसको अजमत के साथ पढ़ें। दूसरे कलीमे की जो दूसरी जो तस्बीह है दुरूद शरीफ वाली, उसका नाम है मोहब्बत वाली तस्बीह, उसको मोहब्बत के साथ पढ़ें। और तीसरी जो तस्बीह है इस्तिगफार की, वो है नदामत वाली तस्बीह, उसको नदामत के साथ पढ़ें। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैं एक इलाके में गया, एक बड़े उम्र के बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एक अजीब बात कही, उन्होंने कहा कि हज़रत मैं अपने शेख से बैत हुआ था आज से 46 साल पहले, 46 ईयर पहले, तो मेरे शेख ने मुझे कहा था कि बेटा रोज़ाना एक पारा पढ़ना। वो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह 46 साल हो गए, आज तक वो एक पारा मेरा नागा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा एक पारा छूट गया। कैसे इस्तकामत वाले लोग, कैसे इस्तकामत के पहाड़ लोग, अल्लाह अकबर। मैं तो हैरान होता हूँ, मैं तो आए दिन सफ़र में होता हूँ, कोई न कोई मुझे मिलता है और कोई कहता है देखो ये वो शख्स है, ये इतना अल्लाह को याद करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं डाभेल गया था बयान के सिलसिले में, तो लोग मुलाकात कर रहे थे, एक चचा ने भी मुलाकात की, मुझे बताया, मुझे कहा मौलाना साहब ये वो शख्स है जो रोज़ाना अल्लाह का एक कुरान पढ़ता, रोज़ाना एक कुरान। गुज़िश्ता साल हमारे यहाँ एक हाफिज साहब थे, उन्होंने रमज़ान को बड़ा ही वसूल किया, 40 कुरान ख़त्म किए, 40 कुरान। रमज़ान उनका भी गुजरा, मेरा और आपका भी गुजरा, ये ज़िंदगी रुकती नहीं है, ये तो गुजरती है। शुक्र करो कि मैं और आप सेहतमंद हैं, मैं और आप तंदुरुस्त हैं। मेरे वालिद साहब 6 महीने पहले थोड़ा सा बीमारी से जूम रहे थे, तो मुझे उनके साथ कुछ वक्त हस्पताल में रहने का मौका मिला। अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमाए, शिफा अता फरमाए। फ़िलहाल तो तबीयत बहुत बहाल है, बड़ी कुर्बानी दी अल्लाह के दीन के खातिर, बड़ी कुर्बानी दी। हमारे नवसारी की शूरा में से, जिम्मेदारों में से, बहुत वक्त लगाते हैं अल्लाह के दीन के खातिर। मुझे याद नहीं उनका कभी 89 से कभी उनका चिल्ला छूटा हो। 4 महीने बैरून, अंदरून, 6 मरतबा बांग्लादेश तशरीफ़ ले गए, 40 से ज़्यादा हज उमरे के सफ़र किए, 3 दिन जमात की नुसरत में, अल्लाह के दीन की मेहनत में, मस्जिदों में वक्त गुजारना। कभी वो मुजागरा भी करते हैं कि बेटा इसी मेहनत की बरकत है कि हमने आपको आलिम बनाया है, वरना हमें क्या पता था अल्लाह के दीन की मेहनत का। एक माहौल था, मरकज़ के सामने रहते थे, जमातें आती थी, अल्लाह के रास्ते में जाते थे, मुजागरे होते थे। इसी की बरकत है कि एक जज्बा पैदा हुआ, एक शौक़ पैदा हुआ कि हम तो आलिम न बन सके, आप लोग ही कुछ खुलासा ये है कि कुछ इल्म हासिल कर लो। वो हाफिज़ कुरान है, बड़ा अल्लाह ताला ने इल्म दिया है। तो मुझे कुछ रहने का मौका मिला उनके साथ, जब भी मैं कोई हस्पताल जाता तो एकदम ताज्जुब में रह जाता, ये हुआ क्या। मेरे वालिद साहब की डायलिसिस चलती है, अल्लाह ताला आफियत से छुड़वा दे। 4:30 बजे के करीब मेरी ट्रेन थी जुमा को, जब मैं बीजापुर आ रहा था, तो जुमा की नमाज के बाद फौरन मैं उनको डायलिसिस में लेकर गया, तो मैंने देखा एक बेड भी खाली नहीं था। तो मैंने देखा जो डायलिसिस जो करवा रहे थे उसमें से, मेरा तो दिल हिल गया। अक्सर नौजवान थे, कोई 25 साल का आदमी, वो भी सोया हुआ है 4 घंटे के लिए, कोई 35 साल का आदमी। मेरे वालिद साहब जब ज़्यादा बीमार हुए, मैं आईसीयू रूम में गया तो पूरा आईसीयू रूम फुल, इतनी बड़ी हॉस्पिटल, आईसीयू रूम पूरा फुल, नौजवान, क्या मर्द, क्या मस्तूरात। उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने हमें सेहत के साथ रखा है, तेरा बड़ा एहसान है, तेरा बड़ा करम है, वरना इतने पैसे भी खर्च हो रहे हैं, वक्त भी ज़ाया हो रहा है और बीमार भी है और कुछ समझ नहीं आता। हमें कहा कि मेरे वालिद साहब को ऊपर मुंतकिल कर दो, आप आईसीयू रूम से छुट्टी मिल गई है। मैंने सवाल पूछा, 2 घंटे से आप इन्हें आईसीयू रूम से निकाल क्यों नहीं रहे? तो मुझे कहा मौलाना कैसे निकाले, ऊपर सारे कमरे ही फूल है, जगह ही कोई नहीं, इंतज़ार करते हैं कि किसी का डिस्चार्ज हो तो आपके वालिद साहब को ऊपर लें। मुंबई की एक अस्पताल में जाना हुआ, मुझे पता चला कि जो हजरात
तो गैंगरिंग हो जाता है और उनके पैर काटे जाते हैं। तो मुंबई की एक हॉस्पिटल है, वहाँ उनके पैर काटे जाते हैं। तो मैं वहाँ गया, मालूम किया, अल्लाह अकबर, पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, है तो हमें एहसास नहीं। जिनके काटे जाते हैं वो थोड़ा सा हिस्सा कटवाने के 6-6 लाख रुपये दे रहे हैं, 4.5-4 लाख रुपये दे रहे हैं सिर्फ कटवाने के, तकलीफ उठाने के 4.5-5 लाख। मैं तो ताज्जुब में रह गया। एक रूम के बाहर, एक जगह पर मैं बाहर बैठा हूँ, जिसको देख रहा हूँ उसका पैर कटा हुआ, क्या नौजवान, क्या मर्द, क्या मस्तूरात, जिसको देख रहा हूँ उस वक्त व्हीलचेयर पर। पता चला कि यहाँ रोजाना कई लोगों के पैर कटते हैं, बीमारी है उनको, अगर पैर न काटे तो वो हिस्सा आगे बढ़ जाता है बीमारी का। मेरे अजीजों, सेहत है ना, इसको नेमत समझना। अल्लाह ताला कब बीमारी में मुब्तला कर दे कुछ पता नहीं है, इसीलिए कहा उसके शुक्र गुजार बनो। ये सेहत की नेमत पर अल्लाह का शुक्र करो, ये ना सोचो कि मर जाएंगे फिर आखिरत बनाएंगे, अभी दुनिया बनाओ। ये दुनिया दुनिया बनाने के लिए नहीं, आखिरत बनाने के लिए। मुगल के सारे बादशाह खाली हाथ गए, मेरे और आपके दादा खाली हाथ गए, मैं और आप खाली हाथ जाने वाले, मेरे और आपके मरण दाखिले बनने वाले। क्या हमारा मरण दाखिला नहीं बनेगा? हमारे बच्चे पहुंच जाएंगे कि हमारे अब्बू चले गए, दस्तावेज पे हमारा नाम कर दो, वो कहेगा पहले इनका मरण दाखला लाओ। तो हमारे पल्ले क्या है? हमारे पल्ले तो कुछ नहीं, कफन में जेब नहीं, कब्र में अलमारी नहीं। और जिसको मरना हो वो भी क्या अल्लाह को नाराज करता है? जिसको मरना हो वो भी कोई गफलत में ज़िंदगी गुजारता है। मेरा अजीज़ो, इसीलिए फरमाया कि अल्लाह का जिक्र इतना करो, इतना करो। जिक्र से क्या चाहा जाता है? अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए। ध्यान किसको कहते हैं? ऐसा ध्यान मिले कि गफलत उस बंदे से दूर हो जाए। मैंने अल्लाह वालों को एक चीज़ करते हुए देखा, अजीब। बहुत से अल्लाह वाले, जब मैं उनके मकान पर गया, उनकी ऑफिस पर गया, तो उनके यहाँ सामने एक पर्चा लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। मैंने देखा वो बार बार ऐसे देखते हैं, अल्लाह अकबर। मैंने कहा कितनी बड़ी बात है, बार बार वो याद, इस बात पे याद को ताज़ा कर रहे हैं। बहुत से लोग लिखवाते हैं कि आप लोग CCTV कैमरे की नज़र में हो, बस ये लिखवाया कि चोर चोरी से बच जाता है, एक भी चीज़ को बंदा लेने से बच जाता है। चोर है, चोरी करता है, शोरूम है, 4th फ्लोर है, ऊपर कोई नहीं, उसका दोस्त कहता है यार तू चोरी कर लेना, तू तो रात के अंधेरे में चोरी करता है, यहाँ तो पूरा सामान खुला पड़ा है, बड़े कीमती सामान है, तुझे देखने वाला भी कोई नहीं, स्टाफ का कोई आदमी भी नहीं, रात को चोरी करने वाला, अभी तो बड़ा आसान मौका है। उस वक्त वो कहता है, देख वो क्या लिखा है, क्या लिखा है? तो कहा यूं लिखा है कि आप लोग CCTV कैमरे की नज़र में हो, ऊपर तो स्टाफ का कोई आदमी नहीं है, लेकिन पहले माले पर बैठकर सेट देख रहा है, अभी पकड़ लेगा हमें, इसलिए यहाँ चोरी नहीं करनी। अल्लाह हो, जिसको CCTV कैमरे का पता हो वो चोरी से बच जाता है। आप अंदाज़ा लगाओ, जिसको ये पता हो मेरा अल्लाह देख रहा है, वो सड़कों पर कहाँ गलत देख सकता है, तन्हाई का कहाँ गलत इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, यालमु खाइनतल आयुन, मेरे बंदे मैं तो तेरी आंखों की चोरी को भी जानता हूँ, तेरी आंखें कहाँ देखती है, कहाँ घूमती है, मैं तो वो भी जानता हूँ। वमा तुख्फि सुदूर, तुम अपने सीनों में क्या भेद छुपाए हुए हो वो भी जानता हूं, कौन दुनिया बनाने पे लगा हुआ है उसे भी जानता हूँ, कौन आखिरत सवारने में लगा हुआ है उसे भी जानता हूँ, कौन गफलत के साथ ज़िंदगी गुजारता है और कौन मेरी याद के साथ ज़िंदगी गुजारता है, मैं दोनों को जानता हूँ, कौन किसी पर जुल्म करता है। ऐ ज़ालिमो याद रखना, अल्लाह तुमसे गाफिल नहीं है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा
تعملون اے گناہ کرنے والو اے اللہ کو ناراض کرنے والو آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والو زنا کرنے والو گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے والو اپنی دکان پر بیٹھنے والے کو ستانے والو اپنے بیوی بچے کو تکلیف پہنچانے والو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھتا تمہیں تمہارا اللہ دیکھتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ تم سے غافل نہیں ہے ایک موقع پر فرمایا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ میرے بندو تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ پوری طرح اس سے باخبر ہے میرے بندو میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تو آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں میرے بندو میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہوں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو جہاں تم دو ہو وہاں اللہ تیسرا ہے جہاں تم تین ہو وہاں اللہ چوتھا ہے ایک بات یاد رکھنا تم جو بھی عمل کرتے ہو میرے فرشتے تمہارے ساتھ موجود ہے کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون وہ سب لکھ لیتے ہیں قیامت کے دن جب انسان کے سامنے نامہ اعمال لایا جائے گا وہ افسوس کرے گا تڑپے گا اور کہے گا ہائے یہ کیسا نامہ اعمال ہے اس میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے سارا ہی لکھا ہوا ہے وقت کے ساتھ لکھا ہوا ہے تاریخ کے ساتھ لکھا ہوا ہے سیکنڈوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں صاف اعلان فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُ میرے بندو یاد رکھنا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا یہ نہیں فرمایا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی یوں فرمایا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اخلاص والے عمل تھے اچھے عمل تھے خدا کے دربار میں پسند آئے ایسے عمل تھے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَا خلاصہ یہ وہ تو ہمیشہ ہمیش کی جنت میں ہوگا عیش کی جگہوں میں ہوگا میرے بندو یاد رکھنا وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُ جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا برائی کا پلڑا بھاری ہو گیا قرآن کا لہجہ سخت ہو گیا فَأُمُّهُ حَاوِيَا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَا پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ حاویہ کیا چیز ہے فرمایا نارٌ حامیہ خلاصہ یہ کہ وہ دہکتا ہوا انگارہ ہے اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا برائی کا پلڑا بھاری ہو گیا قرآن میں جہنم کا تذکرہ شروع ہو گیا خلاصہ یہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا قرآن کریم میں اللہ صاف اعلان کرتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه جو اچھا عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے گا ومن اساء فعلیہ جو برائی کرے گا گناہ کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا قیامت کے دن پکڑ ہوگی وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی ہمارے دربار میں دیکھ لے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی ہمارے دربار میں دیکھ لے گا نیکی کرنے والا نیکیوں کو دیکھ لے گا برائی کرنے والا برائی کو دیکھ لے گا
मेरे अजीज़ों, बीजापुर वालों, ये कुरान करीम की कुछ आखिर में कुछ बहुत प्योर बातें आपके सामने रखी है। अल्लाह करें मेरे और आपके दिल पर असर हो और हम लोग अल्लाह की तरफ आने वाले बने। अपनी मौत को और अपनी आखिरत को याद रखें और मामूलात की पाबंदी करें। मामूलात की पाबंदी ये तरक्की का जीना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए अल्लाह का जिक्र करेंगे और एक बात याद रखना, जिक्र की मजलिस जैसे ही शुरू होगी शैतान गफलत डालने की कोशिश करेगा। वो नहीं चाहता कि कोई बंदा अल्लाह का हो जाए, किसी की बैटरी चार्ज हो जाए, वो अल्लाह की तरफ आ जाए, वो हरगिज़ नहीं चाहता। लेकिन आप सोचना कि 5-10 मिनट की बात है, क्या पता ज़िंदगी में दोबारा मौका मिला ना मिला, क्या पता ये मजलिस कबूल हो गई, अल्लाह ही बेहतर जानता है, और अल्लाह का नाम लिया जाए और वो मजलिस कबूल ना हो, ऐसा हो सकता है? अल्लाह ताला को तो अपना नाम बड़ा प्यारा है। अल्लाह का जिक्र इस ध्यान के साथ करें। कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरे बाजू वाला कर रहा है नहीं कर रहा है, अरे उससे मुझे मतलब नहीं, मैं उसकी कब्र में जाने वाला नहीं, वो मेरी कब्र में आने वाला नहीं। क़यामत के दिन जब नामा आमाल खुलेगा उसमें आप ये भी देखोगे कि जिक्र की मजलिस हो रही थी, उसमें आप शरीक थे और उसमें अल्लाह का नाम लिया जा रहा था, आप भी बड़ी मोहब्बत में मुझे पुकार रहे थे। कुरान कहता है कि वो भी उसमें लिखा हुआ मिलेगा। फ़मन यअमल मिसक़ाला ज़र्रतिन खैरन यर। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कीजिए और बहुत मोहब्बत से, इसको बोझ समझ के नहीं, खुशी में कि अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग तो अस्पतालों में, मैं सेहतमंद हूँ, मस्जिद में हूँ, खुदा ने मीठी नींद सो के उठाया है, अल्लाह का एहसान। अभी एक हफ्ते पहले हमारे यहाँ करीब में एक नौजवान 30-35 साल के करीब की उम्र, 12:30 बजे सोने के लिए आया, दो छोटे छोटे बच्चे, 1:30 बजे उसका इंतकाल हो, बीवी भी तड़प रही, सब तड़प। अभी मैं एक जगह गया तो मुझे बताया एक शख्स ने, मौलाना हमारे बच्चे का इंतकाल हो गया, रोने जैसे हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? शादी को 11 दिन ही हुए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, शादी को 11 दिन ही हुए। मेरे एक दोस्त थे 30-31 साल की उम्र, मुझे नहीं पता था, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। ये तो शैतान कहता है कि अभी तेरे पास बहुत वक्त है, इसी तरह धोखा देकर उसने कब्रिस्तान भरवा दिए, कई लोग उसके धोखे में आकर चले गए। कुछ समझदार लोग भी थे जो उसकी बात में ना आए, पूरी ज़िंदगी वो जिक्र भी करते रहे, अल्लाह के दीन की मेहनत भी करते रहे। उनका बड़ा एहसान है हमारे बड़ों पर कि वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें समझाया, कुर्बानियाँ दी, कोशिशें की। जब लोग दुनिया बना रहे थे तो वो हमारी फ़िक्र में लगे हुए थे, हमें समझा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकत से आज नौजवानों के चेहरों पर दाढ़ियाँ नज़र आती है, कुर्ते पायजामे नज़र आते हैं, इस्लामी लिबास नज़र आते हैं, हमारी मस्तूरात पर्दे में नज़र आती है, मदरसे में ज़्यादा बच्चे नज़र आते हैं, मशाइख के पास ज़्यादा मुरीदीन नज़र आते हैं। हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातहू की सूरत मरकज़ पर बात थी, हज़रत ने उसमें फरमाया कि अगर ये तबलीग का काम ना होता तो हमारे पास मसले मसाइल पूछने वाले कौन आते? ये तो आप लोग माशाल्लाह मेहनत करते हैं, उम्मत में तलब पैदा करते हैं, तो उम्मत मसाइल पूछने के लिए आती, वरना हमें मसाइल पूछने के लिए कौन आता? उम्मत का एक बड़ा तबका है उसके अंदर तलब ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग अपनी तलब बताओ अल्लाह को। La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, मैं पढूंगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आप लोग भी मेरे साथ। जब मैं 5-6 दफ़ा पढ़ लूँ अपने एतबार से अल्लाह अल्लाह करना, ये इसमें आज़म है लफ्ज़ अल्लाह। और हमारे रब का नाम है अल्लाह, कायनात का हसीन तरीन नाम है अल्लाह, हमें पैदा करने वाले हैं अल्लाह, हमें इन मौत देने वाले हैं अल्लाह, हमेशा हमेशा के लिए हमें जाना है अल्लाह के पास, और हमें अल्लाह ही काम आएंगे। इंतकाल के बाद कब्र में हमें कौन काम आएगा, अल्लाह ही काम आएंगे। उस अल्लाह से ताल्लुक़ बनाओ, अल्लाह से दोस्ती बनाओ, अल्लाह से यारी लगाओ। अरे सारे ख़जानों के मालिक है अल्लाह, सब कुछ अल्लाह के पास है, जो अल्लाह के पास आ जाए उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अल्लाह अल्लाह पढ़े तो इस तसव्वुर से मेरा दिल, मेरे बदन का एक एक हिस्सा, मेरे बदन का रुआ रुआ, ये सब अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, ध्यान से पूरा बदन अल्लाह अल्लाह कह रहा है। बहुत खाने पीने का मज़ा चखा, आइसक्रीम का मज़ा चखा, थोड़ा अल्लाह के नाम का भी मज़ा चखो। यूँ फरमाया, जो बदनज़री से बचता है अल्लाह उसको ईमान की हलावत अता फरमा। अल्लाह 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 अल्लाह। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लीजिए, तसव्वुर कीजिए, अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिल में समा रही है, हमारे दिल से ज़ुल्मत व सियाही दूर हो रही है, और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहर हाल कोशिश तो आशिक न छोड़े। ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े, जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। लब पे जिक्रुल्ला की तकरार हो, दिल में हर दम हक का इस्तिहजार हो, अगर तू कर ले इस पर हासिल दवाम, फिर तो बस कुछ दिन में बेड़ा पार हो, फिर तो बस कुछ दिन में बेड़ा पार हो। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अबस यूं ही जिंदगी गुजारी। अबस कहते हैं बेकार। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अबस यूं ही जिंदगी गुजारी। किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी।
कटी गुनाहों में उम्र सारी। एक बुज़ुर्ग के मुनाजात हैं, बड़ा अफसोस करते हैं, हालांकि अल्लाह की याद में रहने वाले हैं, लेकिन जो वक्त अपना अल्लाह की याद के बगैर गुजर गए, अफसोस करते हैं कि अल्लाह मेरे तो दिन भी गफलत में गुजरे, रात भी गफलत में गुजरे। हालांकि जब आपके आशिकों के बारे में पढ़ते हैं तो वो बड़ा वक्त को वसूल करते हैं, उनके पास वक्त को ज़ाय करने का कोई वक्त ही नहीं है उनके पास, और हम हैं कि मोबाइल में, गेमों में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में, अखबार बीनी में, हम तो टाइम पास कर रहे हैं, कर रहा हमें दिन रात गफलतों में, अब बस यूं ही ज़िंदगी गुजारी, किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هات اٹھائی دعا کر لیجیے الحمد لله رب العالمين صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم لا إله إلا أنت سبحان إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين پیارے رب سبحانه رب کریم رب ہماری داستان ہم آپ کو کیا بتائیں आपको तो सब मालूम है कि हमने इस ज़िंदगी में क्या पाया है क्या खोया है। अल्लाह खोया ही खोया है, कुछ पाया था वो भी गीबत करके आगे चलता कर दिया, हमारे पल्ले कुछ नहीं। रब माफ़ कर दे अल्लाह, अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह। ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा तो नफ्स व शैतान की बातों में आके गुजार दिया, धोखे में गुजार दिया, गुनाहों में गुजार दिया, बद नज़री में गुजार दिया, यही सोच के साथ के देखा जाएगा, नऊज़ुबिल्ला देख लेंगे आखिरत में। रब हमें पता नहीं था, हम आपके कुरान को सही मानों में जानते नहीं। अल्लाह जी अभी कुरान करीम की कुछ आयतें पढ़ी गई तो अल्लाह हमारे दिल में अफसोस हो रहा था, ज़िंदगी कहाँ गुजारी, बहुत गफलत में गुजारी। ये कुछ मालदार लोग भी ऐसे हैं जो 32-32 साल से, 38-38 साल से उनके मामूलात नहीं छूटे हैं, 46 साल 46 साल से कुरान नहीं छूटा। कितने लोग रोज़ाना है कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह हमारा तो कितनी मरतबा ऐसा होता है कुरान शरीफ खोलने की नौबत ही नहीं आती। नौजवानों का एक बड़ा तबका इस आजिज़ को आकर ये कहता है, मौलाना साहब नज़र की हिफाजत नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, ये इस बात की अलामत है कि इन्हें एहसास तो है, अल्लाह इन्हें एहसास तो है, आप बचा लीजिए ना अल्लाह, अल्लाह आप बचा लीजिए, मुझे भी बचा लें, ये हजरात को भी बचा लें। अल्लाह अगर हमारी नज़र की हिफाजत हो जाएगी तो हमारी आखिरत की बड़ी तैयारी हो जाएगी। कितने लोग हैं इस नज़र के बिगाड़ की वजह से बग़ैर ईमान के चले गए, कितने लोग ऐसे हैं जो फिस्क व फजूर के साथ चले गए, कितने लोग ऐसे हैं जिन पर आपकी फिटकार हुई। एक मुअज़्ज़िन साहब अज़ान देने के लिए ऊपर चढ़े मीनारे पर, उनकी नज़र एक मस्तूरात पर पड़ गई, उनका दिल आ गया उस पर, चढ़े थे अज़ान देने के लिए, ज़िंदगी गुजारी अज़ान देने में, तेरा नाम बुलंद करने में, लेकिन तू नाराज़ हो गया, बदनजरी कर ली। वो नीचे उतरे, उनके वालिद साहब से मिले, कहा मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। कहा हम तो ईसाई लोग हैं, आपको ईसाई बंदा पड़े। अल्लाह नाराज़ हो गए बदनजरी की वजह से। मौज़िन साहब कहने लगे मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने नऊज़ुबिल्लाह ईसाई बना दिया और कहा चलिए आप मेरे घर। 5-6 कदम चले थे के पैर फिसला है और वहीं इंतकाल हो गया। अरे मेरे अल्लाह, वो आपको मनाने के लिए गए थे, आधा घंटे के बाद बदनजरी की वजह से बग़ैर ईमान के चले। और हम समझते क्या होता है देखा जाएगा। इसलिए फरमाया 8 किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह उन्हें शब बरात में भी माफ़ नहीं करते। एक तो वो मर्द जो जिना का आदि हो, एक वो औरत जो जिना की आदि, कयामत के दिन उनकी शर्मगाह से इतनी खराब बदबू निकलेगी। अल्लाह मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो हूरों को भूल गया और दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने में लग गया, आपसे मुकाबले पर आ गया।
अल्लाह हमें माफ़ कर दें। ये तालिबीन का मजमा है, ये सालिकीन का मजमा है, ये हमारे दावत व तबलीग के कुछ पुराने साथियों का मजमा है। आपकी मोहब्बत में आए हैं, आपके इश्क में आए हैं, फजर के आराम को और अपने तकाजों को कुर्बान करके आए हैं, अपनी तलब लेकर आए हैं, अपनी तमन्ना लेकर आए हैं, इस जज्बे के साथ आए हैं। शायद कोई बात दिल पर लग जाए, हमें भी अल्लाह मिल जाएगा, हमें भी अल्लाह मिल जाएगा, हमारा ताल्लुक भी अल्लाह से जुड़ जाएगा। चलो चले जाते हैं, कोई आया है नवसारी से, इन्हें क्या पता कि ये इसे कुएं में डोल डाल रहे हैं जिस कुएं में पानी कोई नहीं। मैं ये गफलत में ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान हूँ, मेरे पास से इन्हें क्या मिलेगा। मैं एक बजने वाला ढोल हूँ, बाहर से बोलता हूँ अंदर से खाली हूँ, लेकिन अल्लाह हमने सुना है आप बड़े कदरदान हैं। मैं इतना कहता हूँ कि आपकी निस्बत पर आए हैं, आपके नाम सीखने के लिए आए हैं, और आप तो बड़ी लाज रखते हैं। अल्लाह मेरे पल्ले तो कुछ नहीं, इनकी बरकत से बल्कि मुझे भी नवाज दे, इन्हें भी नवाज दे, हम तमाम को अपना आशिक बना दे। हम आज ही अपनी जिंदगियों को चेंज कर डालना चाहते हैं, अब हम आपको नाराज करना नहीं चाहते, अब हम गुनाहों भरी जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। ए अल्लाह, इसी की वो बुनियाद है कि हमारे हर काम अधूरे रहते हैं, हमारी जिंदगी बेचैनियों का शिकार होती है, हमारी बीवी हमारे खिलाफ, हमारे बच्चे हमारे खिलाफ, क्योंकि नऊज़ु बिल्लाह हम आपके खिलाफ। जो आपका नहीं होता उसका कोई नहीं होता, जो आपका होता है सब उसके हो जाते हैं। अल्लाह आज की मजलिस में हम आपसे सुलह करने के, आपसे सुलह करने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए, आपसे यारी लगाने के लिए, आई लव यू अल्लाह, आई मिस यू अल्लाह। अल्लाह हम कैसे भी, हमें आपसे प्यार है, अल्लाह हम कैसे भी है, चाहे हमारी ज़िंदगी सुन्नतों से दूर हो, लेकिन फिर भी ये नबी के आशिकों का मजमा है। कोई नबी के ख़िलाफ़ बोले इनसे बर्दाश्त नहीं हो, कोई माँ बाप के ख़िलाफ़ बोले बर्दाश्त कर ले, प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त। इसमें से आपका नाम नीचे गिराओ कोई नहीं देख सकता, कुरान शरीफ नीचे अगर गिर जाए सब बेचे हो जाए। अल्लाह कुछ भी है कैसे भी है, लेकिन मोहब्बत है आपसे, आपके नबी से मोहब्बत है, आपके कुरान से प्यार है, आपके दीन से मोहब्बत है। हम इस बात पर बहुत राजी है कि आप हमारे रब हैं, आपके रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, इस पर अल्लाह रज़ीतु बिल्लाह रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। अल्लाह अल्लाह आज की मजलिस की बरकत से हमारे दिलों को धो दे, अल्लाह दिलों को धो दे, दिलों को धो दे, बदनजरी से बचा ले। प्यारे प्यारे नौजवान बैठे हुए हैं, अल्लाह अगर इनकी ज़िंदगी तेरी दीन की मेहनत में लग जाएगी, अगलों ने मेहनत की थी, ये मजमा मस्जिद में आया, ये मजमा मेहनत करेगा तो एक और बड़ा तबका मस्जिद में आएगा, एक और बड़ा तबका तेरे दीन की तरफ आएगा। हर दुकान वाला आपकी तरफ, अपनी दुकान की तरफ बुलाता है। ए अल्लाह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाते हैं, आपके घर की तरफ बुलाते हैं, आपके दीन की मेहनत की तरफ बुलाते हैं, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह बीजापुर की ये सरजमीन, पहले से यहाँ अल्लाह वाले आते रहे, अभी भी आते रहते हैं, ए अल्लाह उनकी आमद के मौके पर उनसे कामिल इस्तिफादे की हमें तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين।